ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। सो हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू नाउ स्टार्ट द पार्ट टू वीडियो ऑफ द चैप्टर ग्रेविटेशन। क्लियर? सो इफ यू हैव नॉट वॉच द वीडियो वन ऑफ ग्रेविटेशन, सो प्लीज 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 गो थ्रू द पार्ट वन वीडियो ऑफ ग्रेविटेशन, देन यू कंटिन्यू विद दिस। क्लियर? सख्त मना है वीडियो टू स्टार्ट करना बिना वीडियो वन देखे। क्लियर? तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बात करेंगे वीडियो वन से रिलेटेड, जो हम लोग वीडियो वन में देखे हैं कि रिलेशन बिटवीन जी एंड जी क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, उसका एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं, उसका वैल्यू क्या होता है, ऐसा यूनिट्स क्या होता है, ये सारी बातें हमने वीडियो वन में बात कर रखी है। आज हम लोग देखेंगे एक नया टर्म, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। एक पहले नया टर्म जानते हैं कि ये टेंजेंट है क्या। टेंजेंट, सो टेंजेंट इज अ लाइन ड्रॉन ऑन अ सर्कल दैट टचेज एट ओनली वन पॉइंट ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। क्लियर है? मतलब कि टेंजेंट क्या होता है? तो टेंजेंट किसी सर्कल के सर्कमफेरेंस पे जब लाइन ड्रॉ किया जाता है और वो लाइन सर्कल के सर्कमफेरेंस पे किसी एक जगह पे टच करता हो, किसी एक जगह पे टच करता हो, कोई ऐसा लाइन, सॉरी इसको तो मिटाइए देते हैं, कोई ऐसा लाइन जो सर्कल को किसी एक जगह पे टच करता हो, किसी एक जगह पे टच करने वाले लाइन को हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। क्लियर? इट टचेज ओनली वन पॉइंट एट द सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस पे किसी एक जगह को क्या करता है? टच करता है। इसका सिग्निफिकेंस हम लोग आगे देखेंगे इसमें कि क्या है इसका सिग्निफिकेंस। सो बिफोर स्टडिंग जस्ट यू वांट टू नोट, देन यू कैन नोट इट। ये एनसीईआरटी बुक में डिस्कस किया हुआ है, क्यों किया हुआ है आगे इसका पता चलेगा, बताएंगे तो आप नोट करें। ओके 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 सर। तो आज हम लोग देखेंगे इंपोर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। इंपोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, इंपोर्टेंस क्या है उसका इंपोर्टेंस। सो इंपोर्टेंस, इंपोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट का इंपोर्टेंस क्या है आज हम लोग देखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट बात ये कहता है कि अच्छा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जितने भी बातें हो रही है विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ बात हो रही है, मतलब कि अर्थ हम लोग को क्या करता है, तो अर्थ हम लोग को बाइंड किए हुए हैं, पकड़े हुए हैं कि हम लोग गेन है, हम लोग स्ट्रेट चल पाते ना, कि चलते चलते ऐसे होते हैं। वैसे तो जो पिया हुआ रहता है वो करता है, पीके पीके करता है, अच्छा पीके वो पीके नहीं, जो पी करके वैसे जो चलता है,
जिसको कोई लग रहा है कि अब गिर जाएगा और गिर भी जाता है, वो बात नहीं है। नॉर्मली हम लोग कैसे चलते हैं, तो नॉर्मली स्ट्रेट चलते हैं, मतलब ऐसा चलते हैं इधर से भी क्लैंप से कसा हुआ है, इधर से भी कसा हुआ, ऊपर से कसा हुआ नीचे, कि चलते चलते कभी हवा में उड़ने लगते हैं, कभी नीचे आ जाते हैं, कभी चलते चलते ऐसे हो जाते हैं, कभी चलते चलते ऐसे हो जाते हैं, कभी ऐसे तो नहीं हो जाते हैं। हम लोग स्ट्रेट चलते हैं, मतलब कि इधर से भी फोर्स लगा है, इधर से भी लगा है, उधर से भी लगा है और नीचे से भी लगा है, चारों तरफ से हम लोग क्लैंप्ड है, हाँ, डिस्टर्ब नहीं होते हैं, स्ट्रेट चल पाते हैं। तो इसका पहला इंपोर्टेंस है कि द अर्थ बाइंड्स अस टूवर्ड्स इट। अर्थ क्या किए हुए है, बाइंड्स किए हुए है, पकड़े हुए है, जकड़े हुए है, चारों तरफ से बाइंड किया हुआ है, ठीक है। सेकेंड में हम लोग देखेंगे, सेकेंड पॉइंट में देखेंगे मोशन, द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द, वेरी गुड सन, जितने भी प्लैनेट्स हैं, कितने प्लैनेट्स हैं, 8, तो जितने भी प्लैनेट्स हैं सन के अराउंड क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि रिवॉल्व करते करते वो अपना पाथ छोड़ करके किसी और के पाथ में जाकर रिवॉल्व करने लगे, कभी उसका पाथ से कभी उसमें जाकर धक्का मार दिया, कभी उसको टकरा गए, कभी उसको डिस्टर्ब कर दिया, ऐसा नहीं। उनका एक अपना ऑर्बिट है, उनका एक अपना पाथ है, और उस पाथ में वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। मतलब कि जो फोर्स लग रहा है प्लैनेट्स के बीच में, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, सबका अपना फोर्स है, सबका एक अपना मास है, तो इसलिए आपस में कभी टकराते नहीं है। तो द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन, और ये भी चीज तो हम लोग बोल सकते हैं कि द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, पता है जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ में रिवॉल्व कर रहा है, तो ये जो मून रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के चारों तरफ में, दिस इज व्हाई, दिस इज बिकॉज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, ठीक है जी, एफ एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, उसी की वजह से ये क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, घूम रहा है और जाकर के टक्कर नहीं मार रहा है, उसी की वजह से घूम रहा है। अच्छा एक चीज और है, दो चीज बताने से पहले एक चीज बताएंगे, पता है एक होता है सोलर इक्लिप्स और एक होता है लूनर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स और एक होता है लूनर सोलर इक्लिप्स सूर्य ग्रहण सोलर इक्लिप्स सूर्य ग्रहण और लूनर इक्लिप्स चंद्र ग्रहण। तो ये सूर्य ग्रहण कब होता है भाई साहब, तो सूर्य ग्रहण होता है जब सन और अर्थ के बीच में जब मून आ जाता है, जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है तो हो जाता है सोलर इक्लिप्स, क्लियर। और लूनर इक्लिप्स क्या है, जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाता है। ऐसा क्यों, अब देखें ये जो अर्थ है इधर रिवॉल्व कर रहा है सन के चारों तरफ में, और मून जो है अर्थ के चारों तरफ में रिवॉल्व कर रहा है, तो ये मून जो है ये इधर आ जाता है, मून जो है अर्थ के राइट साइड में आ जाता है और अर्थ जो है मून के लेफ्ट साइड में आ जाता है, इसके वजह से मून के ऊपर में सन का कोई प्रकाश कोई लाइट नहीं पड़ता है, तो उसको बोलते हैं चंद्र ग्रहण, लूनर इक्लिप्स, क्लियर है। तो जितने भी
अच्छा एक और चीज, ये जब तीनों चीज सन अर्थ और मून, ये जब तीनों चीज, ये तीनों क्या बोल सकते हैं इसको, तीनों एस्ट्रोनॉट्स, हाँ ये जो तीनों सन अर्थ और मून है, ये तीनों जब एक ही लाइन में आ जाते हैं तो क्या होता है, टाइड्स क्रिएट होता है सी में, टाइड्स। सो द फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स, तो टाइड्स क्यों हुआ, तो कहीं ना कहीं इसका रिवॉल्यूशन की वजह से ये तीनों एक लाइन में आ गया, एक समय में तीनों एक लाइन में आ गया, और जब ये तीनों एक लाइन में आ गया तो क्या हो जाता है, टाइड, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ टाइड, क्लियर है। इन चारों चीजों को आप नोट करेंगे बिकॉज दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, नोट करें, नोट कर लिए। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ जी, जो जी का हम लोग वैल्यू निकाले हैं, जी का वैल्यू कितना निकाले हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये जी का जो वैल्यू निकाले हैं उसको कैलकुलेट हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है, तो ये कैलकुलेशन ऑफ जी है। तो लेट अस सपोज, तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, सो सिंस द मास ऑफ, सिंस द मास ऑफ द अर्थ, जब द मास ऑफ द अर्थ इज 6 × 10⁻¹⁴ kg है, मास कितना है, 6 × 10⁻¹⁴ kg है, एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ, एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ इज, एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6.4 × 10⁻⁶ किलोमीटर, ठीक है, रेडियस क्या है, 6.4 × 10⁻⁶ किलोमीटर, एंड द वैल्यू ऑफ जी, एंड जी इज इक्वल टू कितना होता है, 6.67 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, क्लियर है। अब हम लोग क्या जानते हैं, सिंस वी हैव, हमारे पास क्या है, जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर है, लिए थे हम लोग, निकाले थे रिलेशन, अब यहां से जी का वैल्यू निकालेंगे, जी मतलब 6.67 × 10⁻¹⁰ इंटू, यहां पे यूनिट भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इंटू मास कितना, सो 6 × 10⁻¹⁴ केजी बाय आर स्क्वायर, दैट मीन्स 6.4 × 10⁻¹⁶ होल स्क्वायर। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, आराम से बैठ के करना है घर में, तो इतना वैल्यू आएगा, जब आप इसको आराम से कैलकुलेट करो, बैठ के सभी लोग करो कैलकुलेट, इतना आएगा, डेफिनेटली इतना आएगा। तो ये हुआ कैलकुलेशन ऑफ जी, तो आप इसको अपने कॉपी पे छापें, पॉज करके छापें, ओके। सो नेक्स्ट मेरा टॉपिक है, दैट इज फ्री फॉल, फ्री वर्ड, व्हाट डू मीन बाय फ्री वर्ड, फ्री वर्ड का मतलब होता है देर इज नो एनी रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, जहां पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है दैट इज फ्री, ठीक है,
तो ये हुआ फ्री फॉल। तो जब कोई बॉडी को गिरने में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई प्रोहिबिशन नहीं है, कोई बैरियर नहीं है, तो वो ऑब्जेक्ट को क्या बोला जाएगा? फ्री फॉल। क्लियर है? सो वेन एवर एनी बॉडी इज फॉलिंग विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन देन इट इज सेड टू बी अ फ्री फॉल। जब ऊपर से कोई बॉडी है जिसका मास एम है, बॉडी है, नीचे डायरेक्ट गिर गया, दैट इज कॉल्ड फ्री फॉल। तो नीचे गिरा तो जी का वैल्यू क्या हो गया? प्लस हो गया। क्लियर है? सो दिस इज नोन एज फ्री फॉल केस और फ्री फॉल। क्लियर है? अब आगे हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन और मोशन ऑफ द बॉडी। इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग ड्यूरिंग फ्री फॉल। जब कोई फ्री फॉल बॉडी है, जब ऊपर से नीचे गिराया जा रहा है या नीचे से ऊपर थ्रो किया जा रहा है, क्लियर है? तो जब कोई फ्री फॉल बॉडी है तो उस केस में कहीं ना कहीं वो बॉडी इज रेसिस्टिंग और कंजिस्टिंग और फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ मोशन। जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिराया जा रहा है, नीचे से कोई ऊपर बॉडी ऊपर थ्रो किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इक्वेशन ऑफ मोशन फॉलो कर रहा है। उसका कोई अपना स्पीड से, इनिशियल स्पीड से थ्रो किया जा रहा है, फाइनल स्पीड कुछ और है, हाँ, कुछ और डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, टाइम लग ही रहा है, तो कहीं ना कहीं दिस इज द पार्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन ये है फ्री फॉल का कंडीशन। तो ये फ्री फॉल के कंडीशन में, इन केस ऑफ फ्री फॉल वी रिप्लेस फ्री फॉल के केस में हम लोग रिप्लेस क्या करते हैं? हाइट एच इक्वल टू एस, हाइट को रिप्लेस करते हैं किसके जगह पे? एस के जगह पे। देखिए, जहां पे हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन में एस, एस क्या होता है? डिस्टेंस होता है, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट। तो जो डिस्टेंस है उसके जगह पे हम लोग क्या रिप्लेस करेंगे? एच करेंगे। और क्या रिप्लेस करेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब जी। इसको रिप्लेस करेंगे किसके जगह पे? तो इसको रिप्लेस करेंगे ए के जगह पे। एक्सेलरेशन के जगह पे हम लोग क्या रिप्लेस करेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि लीनियर केस में बॉडी को मूव करने के लिए एक्सेलरेशन की जरूरत है या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। लेकिन जब कोई बॉडी को थ्रो करते हैं, ऊपर से कोई ड्रॉप डाउन होता है टुवर्ड्स अर्थ, तो उसमें क्या आ जाता है? अब कोई ड्रॉप डाउन हो रहा है, तो बताए थे कोई बॉडी ड्रॉप डाउन हो रहा है तो जी उसको क्या कर रहा है? अटैक। अर्थ क्या कर रहा है? अटैक कर रहा है। तो अर्थ अटैक कर रहा है तो जी क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है, खींच रहा है। लेकिन जब नीचे वो नीचे से ऊपर थ्रो किया जा रहा है तो जी से बाहर जा रहा है, एक रेंज है, जी का एक रेंज है। मैंने फिगर में भी बताया था कि जी का एक सर्टेन रेंज है, जैसे जैसे ऊपर जाता है जी का वैल्यू डिक्रीज हो जाता है। तो जी जैसे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये है जी। तो ये दोनों हम लोग रिप्लेस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बोलता है, क्या बोलता है? कि वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, यही बोलता है। वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी। अब ये यहां पे ध्यान दें,
तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस वी इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। यहाँ पे प्लस जी टी कब, जब बॉडी ऊपर से नीचे गिरेगा तब, जब कोई बॉडी ऊपर से फॉल होगा टुवर्ड्स अर्थ तो प्लस जी। और यही चीज अगर हम बोलते वी इज इक्वल टू यू माइनस ए का वैल्यू माइनस जी, कब, जब बॉडी को नीचे से ऊपर थ्रो किया जाएगा। तो इस बात को आप नोट करेंगे, जब बॉडी को नीचे से ऊपर थ्रो किया जाएगा तो क्या होगा, तो जब बॉडी को नीचे से ऊपर थ्रो किया जाएगा तो माइनस वैल्यू हो जाएगा, ऊपर से गिरेगा तो प्लस जी बताए फिगर में, और नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस जी। तो एक जगह पे माइनस जी पुट करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलता है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बोलता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही बोलता है ना। अब एस के जगह पे मैंने रिप्लेस किया क्या, हाइट, क्योंकि एस है डिस्टेंस लीनियर केस में, लेकिन ऊपर जा रहा है तो कितना हाइट से जा रहा है, कितना हाइट से कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिराया जा रहा है, तो इसलिए एस को हम लोग रिप्लेस करेंगे एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए की जगह पे क्या हो जाएगा जी टी स्क्वायर, कब, जब ऊपर से कोई नीचे बॉडी गिरेगा तो, ठीक है। और यही चीज हो जाएगा एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जब नीचे से कोई बॉडी को ऊपर थ्रो करेंगे तो माइनस, क्लियर है। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बोलता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलता है, टू ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यही बोलता है, टू ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो जब हम लोग यहां पे क्या हो जाएगा, टू जी एच प्लस ए का वैल्यू प्लस जी, टू जी एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, का जब बॉडी ऊपर से नीचे गिरा था, ठीक है। दूसरा इक्वेशन मैं यहां पे लिख रहा हूं, एंड माइनस टू जी एच इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जब नीचे से बॉडी ऊपर थ्रो करे तो इस तरह से इसके बाद यहां पे लिखेंगे। तो इस तरह से फ्री फॉल इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ ऐसा होगा, जब बॉडी को थ्रो किया जाएगा नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे टुवर्ड्स अर्थ ड्रॉप डाउन किया जाएगा, ठीक है। सो इस चीज को आप नोट करें, नोट कर लिए नोट, वीडियो को पॉज करके नोट करना है, ओके। सो नाउ वी आर हैविंग सम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम फॉर यू। अब हम लोग जो फ्री फॉल इक्वेशन देखे हैं, जो चेंजिंग हम लोग किए एस के जगह पे एच किए चेंजिंग हाइट के लिए, और ए के जगह पे जी किए, एक्सेलरेशन के जगह पे हम लोग चेंज किए हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट मींस जी। तो जब प्लस जी का वैल्यू प्लस होगा तब जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगा तो प्लस जी, जब नीचे से कोई बॉडी ऊपर फेंका जाएगा तो माइनस जी, ये याद रखना है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं कि अ स्टोन इज थ्रोन विथ अ सर्टेन वेलोसिटी, कोई एक स्टोन है और उसको एक सर्टेन स्पीड से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, ठीक है। तो कितना स्पीड से फेंका जा रहा है ये नहीं बोला है, ठीक है, बोला कि एक सर्टेन स्पीड से फेंका जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो गिवन है तो मेरा वो कहीं फाइंड करना होगा कि वो जो जितना स्पीड से फेंका जा रहा है वो कहीं ना कहीं इनिशियल वेलोसिटी होगा। तो गिवन में हम लोग देखेंगे क्या चीज दिया हुआ है, कि इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है, मतलब यू निकालना है कितना स्पीड से फेंका गया है, नहीं दिया गया है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अब रीचिंग एट द हाइट ऑफ 10 meters, जब उसको फेंके तो कितना हाइट तक ऊपर गया, तो हाइट के जगह पे 10 meters, यानी कि 10 meters ऊपर तक गया। अब ऊपर जाने में उसको बोला कि फाइंड द टाइम टेकन, यानी कि टी का वैल्यू निकालना है और यू का वैल्यू निकालना है। और एक चीज पता होना चाहिए कि जी का वैल्यू हमारे पास पता है 9.8 meters per second square, ठीक है। अब ध्यान देना है यहाँ पे कि सबसे पहले टाइम का टर्म है, तो टाइम का टर्म इक्वेशन फर्स्ट में है और सेकेंड में है,
टाइम का टर्म इक्वेशन थर्ड में नहीं है, इक्वेशन ऑफ मोशन का आप थर्ड पार्ट देखेंगे उसमें टाइम का टर्म नहीं है, तो टाइम का टर्म वाला इक्वेशन में चलते हैं। तो इक्वेशन अगर हम लोग टू लगाते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, तो क्या था, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए का वैल्यू पता है, टाइम का वैल्यू नहीं पता है, एस का वैल्यू पता है, ठीक है। तो अगर हम लोग चाहें तो यहां से एच का वैल्यू निकाल सकते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, एच इज इक्वल टू यू टी, ऊपर फेंका जा रहा है ना, तो यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होगा, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होगा, क्लियर है। अब यहां पे देख रहे हैं कि हमारे पास h पता है, u पता नहीं है, t पता नहीं है, तो ये इक्वेशन नहीं लगेगा, ठीक है, ये इक्वेशन नहीं लगेगा क्योंकि दो वेरिएबल्स अननोन हो गया, u भी नहीं पता t भी नहीं पता। तो इस केस में हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, तो इस केस में हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे कि v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, ऊपर फेंक रहे माइनस जी टी, तो v का वैल्यू फाइनल वेलोसिटी। हाँ, एक और चीज कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंक रहे हैं तो क्या वापस आएगा, डेफिनेटली आएगा, बताया था मैंने कि कोई भी चीज वापस आना है, तो जब ये वापस ऊपर से आएगा तो किसी एक पॉइंट पे उसका वेलोसिटी क्या रहा होगा, जीरो रहा होगा, फाइनल वेलोसिटी, क्यों, क्योंकि उसी जगह से वो टर्न लिया ना, उसी जगह से वो नीचे आने के लिए टर्न लिया, मतलब कि जब हम लोग ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट को फेंके तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो हो गया, क्यों, क्योंकि उस पॉइंट के बाद वो नीचे आना शुरू हो गया है, मतलब कहीं ना कहीं उसका फाइनल वेलोसिटी क्या था, जीरो था, मतलब जीरो इज इक्वल टू यू पता नहीं माइनस जी का वैल्यू 9.8 इंटू टी का वैल्यू, टी रख देते हैं, तो यहां से हम लोग मिलेगा, इसको वैल्यू को हम लोग अगर इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 9.8 t इज इक्वल टू यू, ऐसा कुछ वैल्यू आएगा 9.8 t इज इक्वल टू यू। अब इसको हम लोग इक्वेशन वन बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग को पता नहीं है t का वैल्यू और u का वैल्यू, ठीक है। अब सेकेंड टाइम बोला कि h का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते, हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, क्यों, क्योंकि थर्ड इक्वेशन में होता है माइनस टू जी एच इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है, एच का वैल्यू पता है, जी का वैल्यू पता है, यू का वैल्यू पता है, तो यहां से टाइम निकल जाएगा, ये वाला वैल्यू यू के जगह पे पुट करेंगे तो, ठीक है, तो माइनस टू इंटू 9.8 इंटू 10 इज इक्वल टू वी स्क्वायर, मतलब जीरो का स्क्वायर, माइनस u स्क्वायर, दैट मीन्स u का वैल्यू यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं 9.8 इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर रख सकते हैं, और यहां से आप सॉल्व करके t का वैल्यू निकाल सकते हैं, और जब t का वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ पुट करेंगे तो u का वैल्यू निकल जाएगा, क्लियर है। तो इस तरह से इक्वेशन को आप चेक कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां पे चलिए, यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि अ कार इज ड्रॉप डाउन, कोई ब्रिज है, ये ब्रिज है, वो ब्रिज से क्या हो गया, कार नीचे गिर गया है, तो ब्रिज पे जब कार था तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था, जीरो था, इनिशियल वेलोसिटी क्या था उसका, जीरो था, ठीक है। तो किस स्पीड से गिरा है वो पता नहीं है, फाइंड करना है, गिरने में उसको टाइम कितना लगा है, देख रहे हैं हम लोग कि टाइम इन 0.5 सेकेंड, यानी कि टाइम का वैल्यू 0.5 सेकेंड हो गया। कितना हाइट पे सेकेंड, थर्ड क्वेश्चन, द हाइट ऑफ द ब्रिज, यानी कितना हाइट है निकालना है, और जी का वैल्यू हम लोग को पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब देखिए, U पता है, V नहीं पता, T पता है, G पता, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में यही चार टर्म है, वहां से V का वैल्यू निकलेगा। सो नाउ यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन,
तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ भी इज इक्वल टू, ऊपर से गिरा है ना तो यू प्लस जी टी होगा, ऊपर से गिरा है तो प्लस जी टी बताए थे ऐसा। अब यहाँ पे यू जी का वैल्यू पता नहीं, इज इक्वल टू जीरो प्लस जी का वैल्यू 9.8 इंटू 5 0.5, तो आप इसको यहाँ पे कीजिए 10, यहाँ पे कीजिए 10, तो भी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 5 जब 40 और 9 5 जब 45 49 आएगा क्या बाई 100, एक जीरो कट गया मतलब कि 4.9 मीटर पर सेकेंड भी का वैल्यू आ गया 4.9 मीटर पर सेकेंड। अब भी निकाल लिया हम लोग, अब निकालना है एच निकालना है। एच निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे क्या, यस थर्ड लगाएंगे। यू पता है, भी पता है, जी पता है, तो एच निकल जाएगा। नोट कर लिए इसको, इसको नोट कर लिए, मैं बताता हूं उसको। ओके तो यहां से देखें तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, 2gh इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर है। 2 इंटू जी का वैल्यू 9.8 इंटू एच पता नहीं, वी स्क्वायर मतलब कितना 4.9 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, सो दिस गिव्स 2.98 इंटू एच। अब ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 4.9 इंटू 4.9 होगा क्या, स्क्वायर है ना ये तो जीरो हो गया, तो क्या हो गया यहां से एच का वैल्यू निकल गया 4.9 इंटू 4.9 और ये दोनों बाई में है ना 2 इंटू 9.8 तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 9.8। अब ये पॉइंट से एक पॉइंट को हटाएंगे तो 49 2 98 होता है, ठीक है तो आ गया मेरे पास 4.9 बाई 2 2 4। अब इसको 4 से डिवाइड कीजिए, यहाँ पे कर दीजिए 10 तो इसको आ जाएगा 1.22 मीटर। तो यहां से एच का वैल्यू निकल गया 1.22 मीटर। तो इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे आपके पास दिए हुए रहेंगे, बस दिमाग में ये चीज रखना है कि जब कोई बॉडी को ऊपर थ्रो किया जाएगा तो उसका फाइनल वेलोसिटी अगर नहीं दे रहा है तो फाइनल वेलोसिटी उसका जीरो होगा, क्योंकि एक समय के बाद उसको नीचे गिरना है, ठीक है। तो पहले आप गिवन पे फोकस कीजिए क्या क्या चीज दे रखा है, उसके बाद आप क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन बोला था कि द वेलोसिटी एट विच द, हाँ तो ये इसका वेलोसिटी पता हो गया, भी निकल गया, फर्स्ट एवरेज वेलोसिटी बोला है, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी यू प्लस वी बाई टू होता है क्या, इनिशियल प्लस फाइनल बाई टू, तो इनिशियल कितना है जीरो, फाइनल कितना है 4.9 बाई टू, मतलब इसको 2 से डिवाइड कीजिए 2 2 4 2 4 2.45 मीटर पर सेकेंड, तो ये भी निकल गया। तो इस तरह से हम लोग जो भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते ये जरूरी है कि आप सबसे पहले गिवन को करेक्ट लिखें, ठीक है, और एप्रोप्रिएट फॉर्मूला लगाए। एप्रोप्रिएट फॉर्मूला मतलब कि आप उसमें ढूंढिए कि कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे कि मेरा ये टर्म निकलेगा, ठीक है। सो पढ़ाई करते रहें, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।